एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे व्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहले खबर की बात करेंगे BYD, जो कि चाइनीज ऑटोमेकर है, कार मेकर है, जो कि इलेक्ट्रिक कार बनाती है। उसके द्वारा भारत के अंदर $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाना था, जिसको अब भारत ने रिजेक्ट कर दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से इन्वेस्टमेंट को भारत के अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। 2020 में जो एक नियम बनाया गया था, जिसमें कि यह वर्णित था कि भारत की सीमा से टच होने वाले कोई भी देश भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा, उसको इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से अप्रूवल दिया जाएगा, तभी जाके उसका इन्वेस्टमेंट लिया जाएगा। और ये जो प्लान है वो इसलिए बनाया गया था क्योंकि चाइना सीमा पे अग्रेशन दिखा रहा था, जो कि अभी भी दिखा रहा है। तो चाइना का भारत के अंदर कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट ना हो जाए जिससे कि भारत को नुकसान पहुंचे, तो इसके मद्देनजर इस BYD को भारत के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है अभी के समय में। इसका एक और इम्पैक्ट ये भी है कि हमारे जो टाटा या हमारे जो देसी कंपनियां हैं, जैसे कि महिंद्रा, उनकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो आना बाजार में स्टार्ट हो चुके हैं और उसके काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी है। अगर चाइनीज ऑटोमेकर्स इस तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भारत के अंदर डाल देंगे तो हमारे जो खुद की इंडिजीनस इंडस्ट्रीज हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। ये फैसला अगर चीन के साथ हमारे इस तरह के व्यवहार ना होते तो भी इस BYD कंपनी को भारत के अंदर नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी देसी कंपनियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आप ऐसे बहुत से लोग बोलेंगे कि बाहर की कंपनियां आती है, कंपटीशन बढ़ता है, ग्राहकों को कम दाम पे अच्छे सामान मिलते हैं, पर कभी कभी कम दाम में अच्छे सामान के चक्कर में स्मार्टफोन की तरह हाल हो जाता है या इलेक्ट्रॉनिक सामान की तरह हाल हो जाता है कि भारत के अंदर चीनी सामान की भरमार पहुंच चुकी है और हम उनको मजबूरी में खरीद रहे हैं क्योंकि हमारी कोई इंडिजिनस इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाई। एटलीस्ट कार को तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि चीन के द्वारा भी यही स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है, अपनी देसी कंपनियों को बढ़ाने के लिए विदेशी कंपनियों को वो कम आने देते हैं या आने भी देते हैं तो कुछ शर्तों के साथ। भारत भी अभी सही कर रहा है। अपनी इंडिजिनस सामान की तरफ से ही अगर हम लोग बात करें तो राफेल के अंदर भारतीय हथियारों को लगाए जाने के लिए भारत ने फ्रांस के डेसॉल्ट से अब आग्रह करना स्टार्ट कर दिया है कि हमारे देसी हथियार इसमें लगाओ। जैसे कि 100 मिसाइल, जो कि एंटी एयरफील्ड वेपन है, इसके अलावा अस्त्र मिसाइल, जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। अभी हम लोग मीका या मीटियोर का इस्तेमाल करते हैं, मीका को एटलीस्ट इसके द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा अस्त्र के द्वारा। इस एनहेंसमेंट के बाद या इस अपडेशन के बाद राफेल के अंदर भारतीय हथियार तो लग पाएंगे, पर इससे भारत के हथियार उन राफेल के कस्टमर तक भी पहुंचने की संभावना बनती है जो कि राफेल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग अभी SU-30 में ब्रह्मोस का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे देशों में जहां पर SU-30 का इस्तेमाल होता है वहां पर ब्रह्मोस का स्कोप बढ़ गया है और कुछ देश इसके लिए क्वेरी भी कर रहे हैं। उसी तरह राफेल में अगर भारतीय हथियार लग जाते हैं तो उसके लिए भी विदेशों से क्वेरी आएगी और हो सकता है भविष्य में हम उनको बेच भी पाएं। आपने हमारे टी शर्ट चेकआउट किए क्या? नए डिजाइन निकल कर आए हैं। व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से इसकी प्री बुकिंग करानी है। 15 अगस्त से पहले इन सभी टी शर्ट को आपको डिलीवर करने का प्रयास करेंगे। बेहतरीन डिजाइन है, तेजस वाले, SU-30 वाले, इंडिया भारत वाले। व्हाट्सएप पे क्वेरी करिए और अपनी प्री बुकिंग कराइए इन टी शर्ट्स की, क्योंकि प्री बुकिंग के माध्यम से ही ये आपको प्राप्त हो सकती है। ब्रह्मोस की बात ही चली है तो ब्रह्मोस रशियन मिसाइल P-800 का ही एक अपडेटेड वर्जन है, उसी की बेस से ही बना हुआ वर्जन है, पर इसका भारतीकरण हो चुका है और भारत में इसमें काफ़ी इन्हेंसमेंट भी किया गया है। अगर इसके एयर टू एयर वेरिएंट को ही हम लोग ले लें तो इसका परफॉर्मेंस, इस P-800 का परफॉर्मेंस यूक्रेन के अंदर बहुत ही बेहतरीन निकल कर सामने आया है। इस P-800 को साथ इस प्रकार की मिसाइल को रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया सिटी ऑफ ओडेसा में, और यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाया और इसको निस्तनाबूद भी नहीं कर पाया, इसको इंटरसेप्ट भी वो नहीं कर पाए। यूक्रेन की तरफ से ये कहा गया कि ये मिसाइल काफ़ी तेज है, 3 मैक से ज़्यादा की रफ्तार इसकी है, ये काफ़ी तेज है और समंदर पर काफ़ी टच करते हुए समुद्र की सतह को लगभग 10 मीटर 15 मीटर की ऊंचाई से ये चलते हैं, इसको रडार को इसको पकड़ नहीं पाता है। उनका ये कहना था कि ये एंटीशिप मिसाइल इसी कारण से वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और इसका काफ़ी अंजाम उनको भुगतना पड़ा है और काफ़ी वहाँ पर तबाही इस मिसाइल के द्वारा मचाई गई है। अब समझिए आपको कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा सारे एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन में भेज दिए गए, हर शहर में एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ पर लगे हुए हैं और बेहतरीन से बेहतरीन लगे हुए हैं, पर फिर भी वो P-800 को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो वो ब्रह्मोस को क्या पकड़ेंगे जिसमें कि ज़्यादा क्वालिटी है इस मिसाइल से भी। बात करते हैं F-21 हैवी वेट टॉर्पीडो की, जो कि फ्रांस के द्वारा बनाया जाता है। फ्रांस ने भारत के सामने इसको फिर से रखा है। इससे पहले जब फ्रांस
हमें कलवरी क्लास के सबमरीन बेच रहा था, स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन बेच रहा था, तब भी रखा था। भारत ने इसमें इंटरेस्ट नहीं जताया था, अब फिर से वो रख रहा है। आपको मैं एक रोचक तथ्य ये बताऊं कि अभी हमारे कलवरी क्लास के सबमरीन में हैवी वेट टॉर्पीडो है ही नहीं। वरुणास्त्र जो हमारा हैवी वेट टॉर्पीडो है वो सबमरीन के लिए डेवलप नहीं किया गया है अभी तक, वो केवल शिप से लॉन्च या हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। तो आप समझिए कि हमारे पास हैवी वेट टॉर्पीडो है ही नहीं हमारे सबमरीन में। अब आप ये भी समझिए कि हमारी सबमरीन हमारे पास होते हुए भी कितनी लाचार होंगी, हमारे लोग कितने लाचार होंगे कि उनमें टॉर्पीडो इस तरह के है ही नहीं। इसी को खरीदने के लिए भारत प्रयास कर रहा है, 2016 से प्रयास कर रहा है। फिन मैकेनिका के टॉर्पीडो को खरीदने का बात चला था, वो भी निरस्त हो गया, और भी आगे प्रोसेस किए गए पर अभी तक खरीद हम लोग पाए नहीं है। तो जिस प्रकार से भारत की प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा हुई है और उसमें कई कॉपरेशन निकल कर सामने आए, तो हो सकता है कि इस टॉर्पीडो पे बात बन जाए और हम लोग इसको खरीदें अपने स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के लिए। वैसे फ्रांस के द्वारा स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन ब्राजील को भी बेची गई है और ये हैवीवेट टॉर्पीडो भी बेचा गया है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा तंत्र से जोड़ देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।